हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट। आपने देखा होगा बैंकिंग के एग्जाम में इसके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और आजकल नए टाइप का इनपुट आउटपुट आ रहा है। करना वही है, आपको पहले डायरेक्शन समझनी है, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट बनाना है, फिर उसके नए 5 क्वेश्चन करने हैं। चलो पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे करने हैं। अब स्टेप इनपुट दिया हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 दिए हुए हैं। स्टेप 4 हमारा क्या होता है? आउटपुट। दिस इज आर लास्ट स्टेप। अब हमने स्टेप 1 देखना है कि इनपुट से कैसे बना। स्टेप 1 में देखो, आपके पास लाइंस मार के लिंक किया हुआ है। ये वाला इसके साथ लिंक करके ये बना, ये वाला इसके साथ लिंक करके बना, ये वाला इसके साथ लिंक करके ये बना। अब मैंने देखना है कि ये कैसे बना। या तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस कुछ हो रहा होगा। चलो अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? 12। 2 को 1 से करूं तो 2। ऐसे ही 8 4 जा 32, 1 into 6, 6। 7 8 जा 56, 2 4 जा 8। तो स्टेप 1 क्लियर हो गया होगा आपको। अब स्टेप 2 देखते हैं कि कैसे बना। अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है, पहला और तीसरा ऐड किया, 1 प्लस 2 3, सेंटर वाला माइनस कर दिया, 1 आ गया। 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 2 7। ऐसे ही 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 6 7। ऐसे ही अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 7 डिवाइड बाय 1 7, 7 डिवाइड बाय 7 1। उससे अगला 7 माइनस 1 क्या आ गया? 6। अब मेरे पास एक इनपुट दिया हुआ है, मुझे पहले उसके स्टेप्स बनाने हैं, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हम इनपुट बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं, क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। हाँ जी, मेरे पास इनपुट है 73, 56, 49, 25, 18, 17। अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 मेरा कैसे बना था? 73 को 25 के साथ लिंक करके। 7 5 जा 35 एंड 3 2 जा 6। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा 56 को 18 के साथ लिंक करके बना था। 5 8 जा 40, 6 1 जा 6। नेक्स्ट 49 और 17 को लिंक करके बना। 4 7 जा 28, 9 1 जा 9। अब स्टेप 2 मैंने देखा कि कैसे बना। पहला और तीसरे को ऐड किया, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 5 4। 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 0 10। 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 8 3। अब मेरा जो स्टेप नंबर 3 है वो कैसे बना था? 10 डिवाइड बाय 4 2.5, 3 डिवाइड बाय 10 0.3। स्टेप नंबर 4 आ गया मेरा, इसमें इस दोनों को माइनस करके 2.2। अब मेरे ये 5 या 4 स्टेप्स बन गए। अब मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। जैसे कि मुझे दे दिया कि स्टेप नंबर 1 में अगर मैं फर्स्ट डिजिट को ऐड कर दूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ आंसर क्या होगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 में पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा। तो मेरे पास 5 क्वेश्चन होंगे इसी से लिंक होकर। होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम आने वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।